ये पैशन प्रो की बाइक की इंजन है, तो कभी भी अगर आपका 3 नंबर का गियर छोड़े तो आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये जो हमारा होता है ये वाला वार्सल, ठीक है, इसी साइज का आपको एक और लेना है और आपको एक एक्स्ट्रा यहाँ पर लगा देना है, यानी कि डबल वार्सल एक लगा हुआ है एक एक्स्ट्रा लगाना है। उसके बाद क्या होगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर जो गियर हमारा छोड़ता है वो बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा 100%। ओके, पैशन प्रो की बाइक है और उसका आज हम फुल इंजन को रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि फुल इंजन के अंदर कितना मतलब सामान चेंज किया जाता है और कितना पैसा खर्च होता है, तो वो मैं सारा चीज़ अवेलेबल कर रखा हूँ, तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर ये जो हमारा क्रैंक है, ठीक है, क्रैंक का जो है असेंबली जो है ये बिल्कुल जो है हमें नया लगाना पड़ता है, और उसके बाद ये दोनों जो है मेन बेरिंग दोनों साइड का चेंज करना पड़ता है, ठीक है, क्रैंक का ये हो गया। और दूसरा चीज़ मैं अब आपको सिलेंडर का दिखाता हूँ, सिलेंडर के अंदर क्या करना है आपको, ये पिस्टन को जो है बोर करा लेना है, जैसे कि इसके अंदर अभी 50 का है, ठीक है, इसके अंदर पहले 25 का था, और ये हमारा जो कंपनी है अब दिखा देते हैं आपको, एक काफ़ी चीप एंड बेस्ट कंपनी है, गोच का है, ठीक है। और अब हम आपको हेड को दिखाते हैं, हेड के अंदर जो हमारा काम होता है ये दोनों वाल चेंज होता है, और उसके अंदर एक सीट गाइड होता है, उसको भी देखना पड़ता है हमें, वो भी हमें चेंज करना पड़ता है। और उसके बाद फिर मैं आपको अब बता देता हूँ कटोरा, कटोरा के अंदर यहाँ पर जो होता है गड्ढा हो जाता है, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं आप गड्ढा है, तो क्या करना पड़ेगा, आप इसे चेंज करा दें या तो इसी तरीके से रेती से बिल्कुल क्लीन कर लें। तो अब इसके अंदर जो भी सामान डलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हमारे पास ये टाइमिंग चेन डलेगा, उसके बाद एक ये GPD पैनियन होता है साउंड के लिए होता है, ठीक है, ये भी आपको चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद ये छोटा मोटा प्रॉब्लम रहता है टैपिट का ढक्कन, ऑयल ना लीक करे ये, और जैसे कि ये क्लच प्लेट, और ये मैं सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है हमारा ये पुश रॉड होता है, पुश रॉड मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, तो पुश रॉड भी नया आपको डालना है, पुश रॉड जो होता है हमारा ये होता है, ये भी मैं नया लगाऊंगा, क्योंकि टाइमिंग चेन बार बार जो ख़राब होता है तो यही हमारा पुश रॉड का प्रॉब्लम होता है।